आज हम ले आए हैं बच्चों को दोबारा से वापडा टाउन। तो और हम आज ज़रा मौसम अबर आलूद है और सॉरी आज मौसम जो है थोड़ा सा गर्म है और बादल गरज रहे हैं। और ये देखें ये हसन और कुरैन फिर लगे हुए हैं, साइकिलें घसीटने में और पानी से वो ही इंजॉय करने में। तो कुरैन को दो, ये देखिए बारिश आ रही है आपको शायद नज़र आ रहा है, और ये बच्चे बारिश में इंजॉय करते हैं। इसको भी नहला दो, हसन को भी अभी। आप इधर आ जाओ, हुरैन बस करो, चलो पानी का मजा। हाँ वहां जा, शूज धोते हुए हसन साहब। चलो हसन बेटा उठ जाओ, बस शाबाश, चलो बंद करो। उधर से उधर से उधर इधर से आओ, हाँ जी हसन बंद कर दो इससे पहले कि फेंटी लग जाए। बंद करो, अपनी मेहनत से व्लॉग बनाने के बाद अब मिले हैं मैक्रोनीज जो बड़े डिलीशियस हैं, जिसका एक चम्मच मैं खा भी चुका हूँ जैसा कि आपको चम्मच में नज़र आ रहा होगा। बड़ी मज़े की डिलीशियस ये मेरी बेगम ने बनाई है, जो कि मैक्रोनी बनाने में बड़ी माहिर। ये हो गया शाम के खाने का टाइम, तो अब आपको दिखाते हैं कि हमारे लिए आज यहाँ पर क्या बन रहा है। तो ये बनाया है बेगम साहिबा ने, और बेगम साहिबा क्या बना रही है हम आपको दिखाते हैं। तो जी ये बन रहे हैं चिकन नगेट्स, और ये देखें ये बहुत बड़ी तादाद में बन रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ ये प्लेट से, जिसको बड़ी आपी ने जो है ना वो पास कर दिया है। तो दो जगहों पर तैयार हो रहे हैं, पर मैं आपको इनकी तैयार हुई हुई शक्ल भी दिखाता हूँ। ये देखें ये कुछ इस तरह से तैयार हुई हुई शक्ल आएंगी इसकी, और जब ये क्वांटिटी में तैयार हो जाएंगे ज़्यादा, तो फिर हम आपको इसकी ज़्यादा क्वांटिटी वाली भी शक्ल दिखाएंगे। तो ये देखें बेदिली के साथ चिमटा फेंक दिया गया है, क्योंकि चूल्हे पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये जी इनका तैयारी का सेशन है,
ये मैरिनेशन के बाद टेपिनेशन के बाद फिर कोटिंग के बाद जी ये फॉर्म हो गई है। इसको अब ऑयल में डिप करने वाली, और ये ऑयल में डिप कर दिया गया है, और इसके साथ ये दूसरा और ये इस फॉर्मेट में मैंने पहले भी दिखाया आपको, ये तैयार होगा। तो जब सर्व होंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ये सर्विंग होती है।